हम तुम्हें इतना मुद्दा देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बात किस पे करें। नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक। आंदोलन, डीजल, पेट्रोल, गैस, रोजगार और उसके बाद प्याज, और अब शरीर को ताकत और कलेजे को ठंडक देने वाला दूध भी जी को जलाने को तैयार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो चीज हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि 1 मार्च से कुछ बढ़ने वाला है और कुछ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और वो होगा दूध का कीमत। तो इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि दूध की कीमत क्यों बढ़ रही है और आम आदमी पे इसका कितना असर पड़ेगा और बच्चों पे, जो सबसे ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उन पे कितना ज्यादा ये असर पड़ने वाला है। जो दूध हर घर में आसानी से मिल जाता है वो बार बार खबरों में या आंदोलनों का हिस्सा बन रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है भारत में दूध का इतिहास। वैसे तो भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, पर ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। कहने को देश आजाद था लेकिन आर्थिक आजादी अभी बाकी थी। शुरुआती दौर में परिस्थितियां ऐसी थी कि हर चीज का प्रोडक्शन देश के अंदर होना संभव नहीं था, इसलिए काफी चीजें दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता था और दूध उनमें से एक बुनियादी चीज थी। हम कहते हैं कि देश में दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए साल 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति हुआ था, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड वो कार्यक्रम है जिसके कारण श्वेत क्रांति हुई। इसने 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के लिए पूरे भारत में उत्पादकों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड का निर्माण किया। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के साथ चर्चा करके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड ने व्हाइट रेवोल्यूशन की पहल की। इस क्रांति के बाद देश में दूध की नदियां बहना शुरू हुई जो आज तक बह रही। जहां कई महीनों से दिल्ली में किसान आंदोलन पे बैठे हैं, वहीं पेट्रोल की बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं और अब दूध के दाम भी बढ़ने वाले हैं, वो भी 1-2 रुपए नहीं बल्कि दूध का दाम लगभग दुगना होने वाला है, यानी 100 रुपए लीटर। दूध के दाम भी डबल होने लगे तो क्या फिर देश में श्वेत क्रांति आएगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह ट्विटर पे दूध को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है और वो है 1 मार्च से दूध 100 रुपए लीटर, यानी अब दूध 100 रुपए लीटर आपके घर तक पहुंचेगा। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने के बाद सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान यूनियन के नेता ने यह ऐलान किया है कि जो दूध 50 रुपए लीटर बिकता था अब वो अब दुगने दामों में मिलेगा। वहीं दूध उत्पादकों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ा है, पशु आहार भी महंगा हुआ है, दूध के भाव नहीं बढ़ने को मंजूरी मिली तो वे सप्लाई बंद कर देंगे। अगर दूध का दाम बढ़ा तो आम आदमी के जेब पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। अब दूध को लेकर हमारे पॉकेट पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले 1 मार्च को ही पता चल पाएगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि दूध का रेट बढ़ने वाला है और इससे बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है। मैं चाहूंगा कि दूध का रेट वही रहे ताकि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंटेंट के साथ यूट्यूब की सारी डिस्क्रिप्शन और लिंक्स, वीडियोस सब आपको वहाँ अवेलेबल होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नए तरीके से नए खबर के साथ फिर मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।